अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। स्टूडेंट क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज अभी सुबह का टाइम है तो मैंने कहा क्यों ना आपको मज़ीद जो है वो पिछली बार जो वीडियो मैंने बनाई थी वो आपके लिए एजुकेशन के रिलेटेड थी कि अगर आप यूके में आना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कैसे आपने आना है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको जॉब्स के बारे से बताया था कि आप यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक ये है कि जब आप यहाँ पर स्टडी कम्प्लीट करेंगे तो उसके बाद आप मतलब कि कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसी स्किल्स है जो कि यहाँ पर अगर आप हासिल करेंगे तो आपको वर्क परमानेंट भी मिल सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने आपकी जो स्टडी है उसमें, अगर आप स्टडी अपनी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। पीएसडब्ल्यू होता क्या है? एक ये है पीएसडब्ल्यू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी रूट, जो कि ये होता है कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको एक 2 साल का जो है वो एक वर्क परमानेंट दिया जाता है। यानी सिर्फ आप 2 साल काम कर सकते हैं, वो भी फुल टाइम। ड्यूरिंग दिस स्टडी आप जो है वो 20 आवर्स अलाउ होता है। तो उसके अलावा जब आप स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 साल मज़ीद मिल जाते हैं। उसके बाद आपको ड्यूरिंग दिस स्टडी इंटर्नशिप भी मिलती है। अगर आपका पहले सेमेस्टर में आपने पहला सेमेस्टर किया हुआ है और आपके जो है ओवरऑल देखा जाए तो पहला सेमेस्टर बिल्कुल कम्प्लीट है तो उसमें आपको इंटर्नशिप मिलती है। इंटर्नशिप ये होती है कि आप किसी इंडस्ट्री, किसी ऐसी जो है वो यानी इंस्टीट्यूट में किसी ऐसी जो है पब्लिक साइड पे काम करते हैं जहाँ पे आपके जो आपने कोर्स किया हुआ है उसके रिलेटेड आपकी स्किल्स होंगी। यानी आपको वो अगर कोई भी कंपनी है वो अगर आपको वो काम दे देती है, यानी आपको एज आ एक्सपीरियंस वो हायर करती है, तो आप वहाँ पे 6 महीने तक काम कर सकते हैं। उसमें ये होगा, एक तो आपका जो है वो एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और उसके अलावा एक ये होगा कि आपको एक जो है वो इंटर्नशिप मिल जाएगी। इंटर्नशिप होती क्या है? इंटर्नशिप ये होती है कि आप किसी इंडस्ट्री में अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो गेन करते हैं, यानी नॉलेज इंक्रीज करते हैं किसी इंडस्ट्री में काम करके। वहाँ पे आपको ये फ्री नहीं होता, यानी आपको वो पे करते हैं उस हिसाब से। 6 महीने आपको प्रॉपर जो है फुल टाइम अलाउ हो जाता है, तो उसके दरमियान आप कम्प्लीट काम कर सकते हैं 6 महीने तक। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी दोबारा स्टार्ट हो जाती है और उस दोबारा वो यूनिवर्सिटी वाले आपको आपका जो है सेमेस्टर स्टार्ट कर देते हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर होता है। उसके बाद आपका जो ओवरऑल जो सेमेस्टर होते हैं मास्टर लेवल के वो होते हैं आपके 3 सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर ए, सेमेस्टर बी और सेमेस्टर सी। यानी सेमेस्टर ए जो है वो सितंबर में स्टार्ट होता है, उसके बाद सेमेस्टर बी जो है वो जनवरी में और सेमेस्टर सी जो है वो मई में स्टार्ट होता है। और इसके अलावा आफ्टर द कम्प्लीटिंग द डिग्री उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। जब आप कंप्लीट करेंगे उसके लिए आपने अप्लाई करना होता है, वैसे में जैसे आप कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हैं इसके लिए, इसी तरह आपने जो है यहाँ पे आपने पीएसडब्ल्यू के लिए ही अप्लाई करना है। उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 2000 से 2500 पाउंड। और उसके बाद अगर आप 2 साल कंप्लीट मतलब 2 साल किसी जगह काम करते हैं, अपनी फील्ड के रिलेटेड काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको अगर कोई कंपनी अच्छी हो, अगर आपको वो काम देखती है, अगर आपका काम ठीक है, तो वो आपको जो है वो एक वीज़ा होता है जो कि स्किल्स वर्क वीज़ा होता है, वो आपको दे देते हैं। वो तकरीबन 5 साल का होता है। 5 साल का जो स्किल वर्कर वीज़ा होता है वो कंपनी स्पॉन्सर करती है, और कंपनी का ये रूल होता है कि आपने 5 साल हमारे साथ काम करना है, आपके साथ वो कॉन्टैक्ट करते हैं, 5 साल का कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उसके बाद जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फाइनल जो है वो पीआर मिलता है, जो कि वह पीआर का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट, जो कि आपको वहाँ पे मिलेगा। वो होगा तकरीबन 5 साल का। पीआर मिलने के बाद आपका जो है वो वीज़ा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी आपको यहाँ का नेशनलिटी आपको मिल जाती है 5 साल जो कि है। उसके बाद 5 साल गुजारने के बाद आपको इजीली यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है। तो ये प्रोसेस था आपको जो है स्टडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने कोई ऐसी फील्ड ढूंढनी है जो कि आपके एजुकेशन के रिलेटेड हो, आपके बैकग्राउंड के एजुकेशन के रिलेटेड हो, तो उसमें जाके आपने मज़ीद जो है अपना एक्सपीरियंस गेन करना है और उसके बाद इंटरेस्ट बिल्ड करना है अपने और कंपनी के साथ, अपने अच्छे एज ए एम्प्लॉयर आपने काम करना है ताकि कंपनी वाले आप पे इंटरेस्ट करें, आप पे आपको समझ के हुआ कि आप जो है ना उनके लिए काम कर सकते हो, तो वो फिर आपको पीएसडब्ल्यू के दरमियान आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगे जो कि वर्क जो कि स्किल वर्क वीज़ा होता है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, उसमें मैं आपको मज़ीद जो है वो लेटेस्ट अपडेट करूँगा, मुख्तलिफ दूसरी जो चीज़ें हैं अपनी एजुकेशन के रिलेटेड
यूके में कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन आपने जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।